अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। आज की वीडियो बहुत ही इफेक्टिव है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ये जो पिंपल्स हम लोगों को निकल आते हैं और इसकी छेड़खानी कर करके हम लोग निशान डाल लेते हैं अपनी स्किन के ऊपर, एक्नी पोर्स, और इन सब का क्या इलाज है, क्या टोटका है, किस तरह से ये निशान आ जाएंगे, ये सारा आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी के साथ मैं आपको बताऊंगी। ये एक हर्बलिस्ट की रेमेडी है जिसको मैं इंप्लीमेंट करती हूँ, क्योंकि जाहिर है अब मुझे पिंपल्स निकल ही आते हैं। अभी रिसेंट मुझे यहाँ पर एक निकला था जिसका निशान बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, ये यहाँ पर। तो फिर मैंने इस रेमेडी को यूज़ किया और बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव रेमेडी है। मैं अक्सर यही रेमेडी यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ज़्यादातर हम लोगों को पिंपल्स यहाँ पर क्यों निकलते हैं, हम गर्ल्स हिजाब करती हैं, स्कार्फ लेती हैं, तो उसकी हीट की वजह से भी हम लोगों को निकलते हैं। उसके अलावा ये जो हम लोग अपने हाथों की हीट लगाते हैं, बार बार उसकी छेड़खानी करते हैं, उस वजह से भी पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं, उनके निशानात रह जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगी आप लोग किस तरह से उसको रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि किसी भी पंसारी की शॉप से आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है? तो अब मैं चलती हूँ अपने इंग्रेडिएंट्स, मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और कैसे आप लोगों ने इसका मास्क बना के एक्नी पर लगाना है, और बिल्कुल आप लोगों की एक्नी निशानात, जितनी डलनेस और ये आप लोगों के ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, ये आप लोगों के रिमूव हो जाएंगे। तो अब चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। अच्छा, इसके लिए अब हम लोगों को कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले तो मैंने लिया है ये दूध, ये मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून, ठीक है? उतना ही लेंगे जितने में हमारा ये फेस पे लगाने के लिए मास्क बन जाए। मिल्क जो है ये आप लोगों ने ठंडा लेना है, दूध जो है वो ठंडा होना चाहिए, ठीक है? जहाँ जहाँ आपको एक्नी अगर फेस पर है, मतलब फोरहेड पे है या चिक्स पर है या चिन पर है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए ये ठीक है। लाइक इतनी क्वांटिटी आप लोग मिल्क की ले लें, और अगर आप लोगों को ज़्यादा मसला है तो आप लोग इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिया है संदल पाउडर, जो संदल वुड है उसको ही वो पीसते हैं पंसारी की शॉप पे, जब आप जाएंगे वो आपको संदल वुड देंगे, तो आप लोगों ने उसी को ही पिसवा लेना है और यहाँ घर में आके पीस लें अगर आपके पास मशीन है तो, नहीं तो वहीं किसी शॉप से आप लोग पिसवा लें, तो ये संदल वुड जो है संदल पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? ये बहुत इफेक्टिव है संदल पाउडर, इसको आप देखते हैं अक्सर रेमेडीज़ में भी कि किस तरह लोग इसको यूज़ करते हैं अपनी फेस की शाइन के लिए और फेस को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी को। ये है हमारे पास संदल पाउडर। इसके बाद है हमारे पास हुस्न यूसुफ, ये है एक, ये एक बेसिकली क्या है, हुस्न यूसुफ ना एक हर्ब है लाइक ग्रास टाइप, तो वो क्या करते हैं इसका पाउडर बना के उन्होंने रखा होता है। ये आपको पाउडर फॉर्म में ही मिलेगी, ये इसकी फॉर्म है, ये इसका कलर है वाइट कलर, बीच में छोटे छोटे से डॉट्स भी हैं, तो ये है हुस्न यूसुफ। ये दो इसकी संदल पाउडर है और वो है हुस्न यूसुफ। और अब हम चलते हैं इसकी तरफ, ये मैंने खुद घर में पीसा, ये है आकाश बेल, इसकी मैं आपको ये लुक दिखाती हूँ, इस तरह की ये जड़ी बूटी है, ये देखें इसमें छोटे छोटे से फूल है, ये देखें, और ये इस तरह से ये होती है बेल इसकी, ये बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। अक्सर आप लोग इसको नेट पे भी सर्च करें आकाश बेल, और इसके बेतहाशा क्या कहते हैं उसको, मल्टी डायनामिक्स इसके फ़ायदे हैं। और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा चॉपर के अंदर डाल के बिल्कुल पीस लिया, ठीक है? अब ये इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अब इसका हम बनाते हैं पेस्ट। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया था मिल्क, ये आपने ले लिया, इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1 टेबल स्पून संदल पाउडर। मैं डालती हूँ इसके अंदर संदल पाउडर, 1 टेबल स्पून ये लिया मिल्क, ये गया 1 टेबल स्पून इसमें संदल पाउडर, फिर इसके अंदर यही 1 टेबल स्पून हम लोग डालेंगे हुस्न यूसुफ, ये हुस्न यूसुफ ये भी इसके अंदर गया, और फिर इसके बाद ये आकाश बेल। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, लाइक अगर आप इसको सर्च करते हैं तो हर लैंग्वेज में, हिंदी में इसको कुछ कहते हैं, इंग्लिश में इसको कुछ कहते हैं, और हमारे पाकिस्तान में इसको आकाश बेल या इस तरह से कहते हैं, तो ये आप लोगों ने लेनी है। थोड़ा सा ये इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स करते हैं। शट अप, डोंट स्पॉयल माई वीडियो मैम।
अब ये देखें, इसका मुझे कंसिस्टेंसी लिक्विड लग रही है, सो आई हैव टू ऐड मोर संदल पाउडर इन इट। एक दफ़ा आप लोगों ने ये रेमेडी यूज़ कर ली, आप लोगों ने सारी क्रीमें भूल जाना और आप लोगों ने इस रेमेडी के ऊपर आ जाना, क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ होती हैं हम लोगों के लिए। डोंट मूव, बट आई हैव टू डू, तुम आ जाओगी फिर बीच में। इसको अच्छी तरह सा पेस्ट बन गया, अब इसको मैं अप्लाई करती हूँ अपने मुंह पर। अच्छा जी, मैंने अपने बाल बांध लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पेस्ट बनाया है इसका, ये सारा अपने फेस के ऊपर मैं लगाऊंगी, जहाँ जहाँ एक्नी है, लाइक मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है इन जगहों पर, ये देखें क्लोज व्यू में पिंपल्स। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लगाएंगे इधर अपने फेस पर। सिंदल पाउडर की स्मेल भी अच्छी है, गुड। इस तरह से पेस्ट बना के अपने फेस पर हम लगाएंगे। और आप लोगों ने इस रेमेडी को, लाइक अगर आप लोगों को हो रही, मतलब एक्नी हो गई और आप लोगों ने उसको रिमूव करना है, तो आप लोग 1 वीक इसको कर सकते हैं अप्लाई। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मसला, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल नेचुरली ये हर्ब्स हैं, और मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर यही होता है कि आप लोग मेडिकेशन से अच्छा इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें अपनी स्किन के ऊपर। फजूल छेड़हानियाँ नहीं करनी चाहिए। यहाँ यहाँ है मुझे, तो मैं बस यहीं लगाऊंगी। इसके अलावा ये नहीं कि सिर्फ एक्ने, अगर आपको ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, डलनेस हो जाती है, और बिल्कुल कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है, लाइक फोरहेड का कलर चेंज है, नीचे से फेस का चेंज है, नेक का चेंज है, तब भी आप लोग संदा पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उसमें यूसुफ दोनों चीज़ों को अटके गुलाब के अंदर मिक्स करके लगाएं, उससे भी आप लोगों की फेस की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेम हो जाएगी। अगर कलर का मसला है ना कि फोरहेड का चेंज होता है कुछ लड़कियों का, यहाँ से स्किन का चेंज होता है नेक का, तो वो इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी ये रेमेडी है, लेकिन सबसे बेस्ट एक्ने के लिए है, रिंकल्स के लिए है। बस इस तरह से हम इसको लगाएंगे एंड आधे घंटे के बाद हम लोग अपना मुंह धो लेंगे। इधर भी लगा ही लेती हूँ वैसे। चलें जी, मैं सो जाती हूँ। अब मैं खो जाती हूँ, लेते हैं 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक, और अभी आती हूँ मैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट 10 मिनट तक ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है, सूख जाएगा ये। इसके लिए अभी मैंने दिखाई है आपको, ये देखें। सो वेट, माशाल्लाह से कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक आ रही है। आप लोग अगर इसको अप्लाई करेंगे, मतलब 1 वीक के लिए, तो आप लोगों के फेस का सारे मसले हल हो जाएंगे, सारी कंसिस्टेंसी आप लोगों की ठीक हो जाएगी, बिल्कुल एक जैसा कलर हो जाएगा, और आप लोगों के ये एक्नी स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स, एक्नी पोर्स, पिंपल्स, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए आप लोग मेरा वेट करें, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना, मैं आप लोगों के रिव्यूज़ का वेट करूँगी।